शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय ने म्यूकर माइकोसिस से आंखें गंवाने वालों के लिए कृत्रिम आंख के रूप में तीसरे नेत्र की व्यवस्था कर दी है। कोविड की दूसरी लहर खत्म होने के बाद म्यूकर माइकोसिस फैला। वेदनादायी और खतरनाक इस रोग के नागपुर में 1500 रोगी पाए गए। ये रोग बेहद खर्चीला रहा है। ये शुरुआत में नाक, कान, आंख और अंत में सिर तक पहुंचता है। इस रोग में शरीर के जिस अंग पर काले दानेनुमा निशान दिखाई देते हैं उन्हें निकालना पड़ता है। इस रोग के कारण नागपुर जिले में 90 मरीजों को एक आंख गंवानी पड़ी। 3 से 4 माह उपचार के बाद अब ये रोगी खतरे से बाहर है, लेकिन चेहरे में आंख वाली जगह खाली रहने से उनका सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा था। ऐसे लोगों के लिए शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय ने पहल की और म्यूकर माइकोसिस के 10 रोगियों को कृत्रिम आंख लगाने की जिम्मेदारी उठाई। कृत्रिम दंत शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर अनिल खलीकर ने बताया कि रोगियों के आंख वाले हिस्से का और दूसरी आंख के रंग के अनुरूप कृत्रिम आंख तैयार की जाती। इससे किसी अन्य देखने वाले के लिए मरीज की कृत्रिम आंख का पता लगा पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा कृत्रिम खोपड़ी, नाक व कान आदि भी विभाग में तैयार किए जाते हैं। अब तक 100 कृत्रिम खोपड़ी, 11 आंख, 5 नाक और 4 कान रोगियों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें लगाना और निकालना आसान है।